पीएम मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। दुमका में विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी बंगाल के जादवपुर में करेंगे जनसभा। कोलकाता के श्याम बाजार में नेताजी मूर्ति से विवेकानंद के घर तक करेंगे रोड शो। सीएम योगी आज यूपी और बिहार में संभालेंगे प्रचार की कमान। यूपी में दो और बिहार में तीन जनसभाओं करेंगे संबोधित। सीएम योगी यूपी के गोरखपुर और मिर्जापुर में करेंगे रैली। बिहार के फतुहा, आरा और पाटलिपुत्र में करेंगे जनसभा को संबोधित। वाराणसी में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा। अजय राय के समर्थन में शाम 4 बजे करेंगे परिवर्तन रैली। वाराणसी की रैली से पहले अखिलेश यादव की यूपी में 2 रैली। कुशीनगर और बासगांव में करेंगे जनसभा को संबोधित। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया दावा। कहा, 6वें चरण में हम 400 के करीब पहुंच चुके। गिरिराज सिंह ने कहा, 7वें चरण में हम 400 के पार पहुंच जाएंगे और उस दिन अखिलेश यादव गाना गाएंगे, दगाबाज कहाँ चले गए तुम। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। बोले, 7वें चरण में जब हम 400 के पार पहुंच जाएंगे तो राहुल गांधी चल उड़ जा रहे पंछी, ये देश हुआ बेगाना गाएंगे और विदेश चले जाएंगे। मिर्जापुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दावा। बोले, 7वें चरण की सभी सीटों पर हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए बताया, पूरी तरह से फेल। बोले, एक तरफा प्रधानमंत्री मोदी की लहर चल रही है। आखिरी चरण के चुनाव से पहले बलिया में सपा को लगा बड़ा झटका। सपा के नेता नारद राय ने की अमित शाह के साथ मुलाकात, ओम प्रकाश राज पर भी साथ। नारद राय ने एक्सपोस्ट पर शेयर की मुलाकात की तस्वीर। लिखा, समाज के अंतिम पंक्ति में बसे गरीब को मजबूत करने वाली सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करूंगा। सूत्रों के मुताबिक बलिया में रैली के दौरान अखिलेश यादव के रवैये से नाराज है नारद राय। 29 मई को अमित शाह की बलिया में रैली के दौरान बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। मधुबनी से आरजेडी उम्मीदवार अली अशरफ फातिमी का बड़ा आरोप। मुस्लिम बहुल गांव देवरा बंदोली में बुरका और दाढ़ी वाले के साथ हो रही है बदसलूकी। अली अशरफ फातिमी का आरोप, बिहार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा के कहने पर मुस्लिम बच्चियों को थाने में ले जाकर बंद कर दिया गया। वाराणसी से सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर अटैक। कहा, जिन माफियाओं के सामने सपा नाक रगड़ती थी हमने उन्हें मिट्टी में मिलाया। इंडिया अलायंस पर अमित शाह का अटैक। 4 जून को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ईवीएम की वजह से हारे। कुशीनगर से अमित शाह ने किया दावा, 4 जून को फिर बनेगी मोदी सरकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गाजीपुर में आरोप। बीजेपी और बसपा ने अंदर ही अंदर हाथ मिलाया। पटना की पालीगंज में राहुल गांधी की सभा का मंच धसा। मीसा भारती ने हाथ पकड़कर संभाला। पीएम के परमात्मा वाले बयान पर सियासत तेज। राहुल गांधी बोले, अडानी का काम करने के लिए भगवान ने मोदी जी को भेजा। हिमाचल के चंबा में प्रियंका गांधी ने की जनसभा। पूछा, 10 साल में बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी। प्रियंका गांधी आज भी हिमाचल में करेंगी चुनाव प्रचार। कुल्लू और सुरेंद्रनगर में जनसभा करेंगी संबोधित। बड़सर में करेंगी रोड शो।